रोहित शर्मा नहीं चाहते नया कोच आए, राहुल द्रविड़ के साथ ही करना चाहते हैं काम, खुद किया खुलासा। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म हो रहा है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने राहुल को कोच पद पर बने रहने के लिए मानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। रोहित ने कहा कि वह चाहते हैं कि राहुल टीम। हाइलाइट्स: रोहित T20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चाहते थे कि राहुल पद पर बने रहें और उन्होंने उनको मनाने का भी प्रयास किया। रोहित ने आयरलैंड के विरुद्ध बुधवार को होने वाले मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, द्रविड़ मेरे पहले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान थे, हमने उनको खेलते हुए देखा, वह हम सबके लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। उन्होंने सालों तक टीम के लिए बहुत कुछ किया। जब वह कोच के तौर पर आए तो उन्हें देखा, हमने उनके साथ लगभग सभी मेजर टूर्नामेंट जीते। वर्ल्ड कप 2024, धोनी के दोस्त के कारण मिली अफगानिस्तान को रिकॉर्ड जीत, खुद कोच ने खोल दिया राज। आयरलैंड मैच से पहले क्या है सोच? आयरलैंड के विरुद्ध तैयारियों को लेकर और इसी पिच पर बल्लेबाजी के चैलेंज को लेकर उन्होंने कहा, हमारा फोकस बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण पर है, न कि विपक्षी टीम क्या कर रही उस पर है। जब आप अलग परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हैं तो आपस में बात करना और बाहर से संदेश भेजना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने इस पर काफी बात की है। इस तरह की परिस्थितियों में खास तौर पर बड़े कारण विश्व कप जीतने के लिए जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका मैच के दौरान धीमी पिच को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने वह मैच नहीं देखा, मेरा परिवार आ रहा था तो मैं उसमें बिजी था। जहां तक कि पिच की बात है तो स्टेडियम में 4 पिच का स्क्वायर है, हमें नहीं पता कि हम किस पिच पर खेलेंगे। इस तरह की पिच में बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी महत्वपूर्ण होती है। टीम संयोजन पर रोहित ने कहा कि हमारे पास स्पिनर हैं, बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, जिस तरह का संयोजन होगा उस तरह के खिलाड़ी हमारे पास हैं। रोहित ने अमेरिका रवाना होने से पहले 4 स्पिनर ले जाने को लेकर कहा था कि इसके बारे में बाद में बताऊंगा। जब उनसे यहाँ इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अभी भी रहस्य है, आपको आगे दिखाई देगा। यहाँ स्पिनर का रोल रहेगा, हमारे 2 स्पिनर जडेजा और अक्षर ऑलराउंडर हैं। अगर आपको टीम का संतुलन बनाना है तो ऑलराउंडर होने चाहिए। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर में हमारे पास हार्दिक और शिवम हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है इस पर